ऊपर से पूरा कटरा, आप एक बार ये देखो, ये देखो गाइस, ये देखो पूरा कटरा ऊपर से कैसा लग रहा देखने में, ये आप चेक करो। बताओ गाइस हम लोग कितना ऊपर चढ़ गए, आप ये सोच सकते हो। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी, जो आपको पता है माँ वैष्णो देवी यहाँ पे 9 महीना गुफा में रही थी, वो जगह यही है। ये है वो गुफा, आप देख सकते हैं जिस गुफा के अंदर से हम लोग चल रहे हैं। सारे बंदर जो हैं वो खा रहे हैं, देख सकते हैं आप, इधर देखिए है, देखिए गाइस। और ये है माँ का भवन जो बहुत ही कम दूरी पे है, और हम यहाँ हैं और माँ वहाँ पे हैं। तो गाइस बहुत जल्द हम वहाँ पे पहुँचेंगे माँ से दर्शन करने के लिए। तो हे गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको पता है कि आपका भाई कहाँ है, ये देख सकते हैं। आज हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं माता के दरबार में, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे जितने भी भाई लोग हैं वो सब तैयार हो गए हैं। और ये तो रूम का हाल तो देख रहे हैं, कैसा रूम हाल कर रखा है ये सब। ये देखिए गाइस, ये भी बबुआ भी तैयार हो गया, इधर नंदू का तैयार है, इधर मेरा भाई अमन ये भी तैयार, जय माता दी, उधर जय माता दी, इधर देखिए सारा सामान ऐसे ही भरा रूम में। तो गाइस बताना ही चाहते हैं कि आज हम लोग चढ़ाई करने वाले हैं रात में, और माता के दरबार में चल रहे हैं, और पूरा रास्ता इंजॉय करते जाएंगे और जय माता दी का नारा लगाते हुए जाएंगे। तो आप बस इस ब्लॉग में बने रहिए, ये वाला ब्लॉग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। पूरा रास्ता जो है माँ के दरबार में कैसे कैसे हम लोग जाएंगे, कैसे चढ़ेंगे, क्या क्या है नहीं है, वो सब कुछ दिखाएंगे इस ब्लॉग में, बिल्कुल आप बने रहिएगा। और अभी सब यहाँ पे तैयार हो चुका है निकलने के लिए, तो अभी कुछ ही देर में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो इसलिए मैं बोलिए बोल सच्चे दरबार की जय। अब कुछ ही देर में हम लोग पहाड़ पे चढ़ने वाले हैं, और वो कौन सा पहाड़ है वो आपको मैं दिखा सकते हैं, जहाँ माँ वैष्णो का मंदिर है वो देख सकते हैं गाइस। ये पहाड़ है वो जो देख रहे रास्ता हो गया, वो सब वो रास्ता है ना, तो उसी रास्ता से हम लोग चढ़ने वाले हैं, देख सकते हैं। ये है पूरा कटरा मार्केट, देख सकते हैं गाइस, और यहाँ पे सब आ रहे हैं मेरे साथ, मेरे टीम मेंबर सब। तो गाइस हम लोग अब यहाँ पे जिस जगह पे पहुँचे हैं, इस जगह से हम चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, आप देख सकते हैं। और ये दरबार जो है ये मेन दरबार है, यहाँ से हम लोग चढ़ाई करने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है माँ का मेन दरबार, जो यहाँ से हम लोग चढ़ाई करेंगे गाइस। और ये वो पहाड़ है जिस पर हम चढ़ने वाले हैं, और ये हमारे साथ सारे यहाँ पे जितने भी भक्त थे वो सब फोटो वगैरह सेल्फी वगैरह सब ले रहे हैं। तो गाइस हम लोग अभी यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो लगभग लगभग सुबह तो हो ही जाएगा हम लोग को चढ़ते चढ़ते। तो आप देख सकते हैं ये है मेन दरबार, इधर से हम लोग यहीं से हम लोग चढ़ाई स्टार्ट करेंगे माँ के पास जाने के लिए, क्योंकि यहीं से वो रास्ता है जो माँ के भवन तक जाएंगे हम सब। और ये देख सकते हैं गाइस यहाँ पे सब फोटोशूट वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए गाइस हम लोग चलते हैं फिर माँ के दरबार के अंदर। चलिए ये है बाल गंगा, आप देख सकते हैं जहाँ पे माँ दुर्गा ने हनुमान जी को पानी पिलाया था, वो ये जगह है आप देख सकते हैं। और पानी काफ़ी ठंडा है यहाँ का, ठीक है। वैसे कि हम अभी जाएंगे इसके अंदर और अभी आपको दिखाएंगे, यहाँ पे बहुत सारा पत्थर वगैरह रखा है, मतलब एक दूसरे पे यहाँ पे रखा जाता है, जैसे कि हम आपको दिखा सकते हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं आगे जाके, पानी देख रहे हैं कितना साफ है, ये देखिए देख रहे हैं पानी। तो चलिए गाइस फिर यहाँ से हम अब चलते हैं पानी के अंदर, थोड़ा सा चलेंगे पानी में, थोड़ा सा उतरेंगे गाइस हल्का। अरे बाबा, अरे बाबा गाइस बहुत ठंडा पानी है ये। अमन भाई पानी में, जय माता दी, और हम पार कर गए ये इस नदी को, हम लोग पार कर गए। तब यहाँ पे हम लोग कुछ ईंटा वगैरह कुछ रखेंगे, जैसे कि सब यहाँ पे रखे हुए हैं देख सकते हैं। अब हम लोग ऊपर के लिए चढ़ाई करते हैं। चलिए काफ़ी देर चलने के बाद हम लोग पहुँचे हैं चरण पादुका मंदिर, आप देख सकते हैं ये है चरण पादुका मंदिर। ये गाइस काफ़ी देर चलने के बाद हम लोग पहुँचे हैं चरण पादुका मंदिर, ये है चरण पादुका मंदिर, देख सकते गाइस। और इधर से हम और नंदुदा, नंदुदा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो गाइस बताना ये चाहते हैं कि लगभग अभी चढ़ाई 1 किलोमीटर की आसपास किए होंगे, अभी कम से कम 13 किलोमीटर और हम लोग को चढ़ना है। तो गाइस चढ़ाई ऐसे कंटिन्यू रहेगा, पूरे रास्ते में ऐसे ही इंजॉय करते रहेंगे, नंदुदा के साथ रहेंगे इस ब्लॉग में, सब मस्त रहेंगे। और ये चरण पादुका मंदिर जहाँ देख सकते गाइस, ये वो रोड है जिससे हम लोग चल रहे हैं, और ये है चरण पादुका मंदिर जहाँ पे माँ दुर्गा अपना पहला कदम रख के जो पीछे देखी थी वो यही जगह है, चरण पादुका मंदिर, इसी को कहते हैं चरण पादुका मंदिर। तो ठीक है गाइस चलिए फिर आगे चलते हैं, और आगे इस ब्लॉग में बने रहिएगा। जय माता दी, जय माता दी।
इधर मेरे बउआ भाई भी। जय माता दी, जय माता दी। चले गाइस चलते हैं फिर आगे। बहुत देर चलने के बाद हम लोग पहुंचे कहाँ पता है? आप लोग को दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, ठीक है? वो आप चेक करो, ये देखो गाइस, ये देखो पूरा कटरा ऊपर से कैसा लग रहा देखने में, ये आप चेक करो। बताओ गाइस हम लोग कितना ऊपर चढ़ गए, आप ये सोच सकते हो। देख लो गाइस। तो अभी फिर हम लोग यहाँ से भी चलेंगे अर्ध कुमारी के पास, थोड़ा सा वहाँ पे बैठेंगे, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे। चलिए गाइस यहाँ से हम लोग निकलते हैं अर्ध कुमारी के लिए। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अर्ध कुमारी, जो आपको पता है माँ वैष्णो देवी यहाँ पे 9 महीना गुफा में रही थी, वो जगह यही है अर्ध कुमारी है, जहाँ पे हम लोग अभी पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्ध कुमारी का हम सीन दिखाते हैं। आप ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये है अर्ध कुमारी गुफा जहाँ वैष्णो माँ 9 महीना गुफा में रही थी, यही है वो अर्ध कुमारी गुफा। देख लीजिए गाइस, ये देखो, ये है गुफा अर्ध कुमारी का। तो जैसे कि यहाँ पे लोग जब सोए हुए हैं यहाँ पे, तो ये लोग सोए हुए हैं कि जैसे यहाँ पे गुफा में जाने के लिए टोकन मिलता है, ठीक है? हम लोग का टोकन लिए है, तो टिकट हम लोग का टोकन का नंबर है 464, मतलब 464। वो नंबर हम लोग का आएगा कल शाम में, तो हम जब दर्शन कर उतरेंगे तो माँ का दर्शन हो जाएगा। और इन लोग जो सोए हैं ना, तो इन लोग जो दर्शन है वो यहीं करेंगे, मतलब कि इन लोग का ऊपर भी चढ़ना नहीं है, या चढ़ के आ गए होंगे तो लोग यहीं पे कम्बल वम्बल लेके सो गए, और ये यहीं पे इनका जब नंबर आएगा तो ये यहाँ पे दर्शन कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये लोग जो सोए हुए हैं वो, ये सब देखिए जैसे ये लोग हैं ना, तो ये लोग का नंबर जो है वो 1 से 2 घंटे में इन लोग का नंबर आ जाएगा, तो ये लोग यहीं पे सो रहे हैं, तो ये लोग जाके दर्शन कर लेंगे। तो अभी लगभग हम लोग आधा दूर मतलब पहुंच चुके हैं, और यहाँ से आधा दूर और है माँ के भवन में जाने के लिए। तो यहाँ से हम लोग अब स्टार्ट चढ़ाई करेंगे, डायरेक्ट माँ के भवन के पास ही हम लोग पहुँचेंगे। तो अब हम लोग यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट हम लोग यहाँ पे कर लिए थे, ठीक है? और यहाँ पे भी लाइन लगा है, जैसे कि वो देख सकते हैं ग्रुप नंबर 300 था हम लोग का, हम लोग का नंबर है 464, तो ये लाइन में लगे हैं। ये लोग अभी यहाँ पे जाएंगे दर्शन करने के लिए, ठीक है? और यहाँ पे हमारे दोस्त लोग सब हैं। तो गाइस चलिए अर्ध कुमारी तो पहुँच चुके हैं, आधा दूर का और सफ़र है, ये भी बहुत जल्द हम लोग पूरा कर लेंगे। तो चलते हैं माँ के दरबार में, यहाँ से निकलते हैं और रास्ता में माँ से माँ का जयकारा लेते हुए रास्ते में जाते रहेंगे, खूब मज़ा आएगा, खूब मस्ती करेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलिए गाइस अब यहाँ से हम चलते हैं उस फ्रंट से गुफा से हम लोग निकलेंगे, वो जो गुफा है उससे हम लोग निकलेंगे, उस भवन से हम जाएंगे माँ के दरबार तक। तो चलिए बोलिए जय माता दी। चलिए गाइस, सारे बंदर जो हैं वो खा रहे हैं, देख सकते हैं आप, इधर देखिए हैं, देखिए गाइस। और हम लोग चलते चलते थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बैठ बैठ के जाना है ना भाई, थकना नहीं है, बस ज़्यादा नहीं, 1.5 किलोमीटर यहाँ से और है माँ का भवन, माँ का दरबार बहुत मतलब कि मिली कुछ मीटर की दूरी पे है माँ का दरबार, है ना बुआ? तो आप कुछ बताइए, पूरा चढ़ाई करके आए कैसा लगा आपको? जो सोचे थे वो पूरा हो गया, पूरा हो गया। तो गाइस ये वो जगह है जिनका बुलावा आता है वही यहाँ पे आता है। तो आप ये देखिए माँ का भवन, कि यहाँ से कितनी दूरी पे माँ का भवन है, और ये है माँ का भवन जो बहुत ही कम दूरी पे है, और हम यहाँ हैं और माँ वहाँ पे हैं। तो गाइस बहुत जल्द हम वहाँ पे पहुँचेंगे माँ से दर्शन करने के लिए। फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं माँ के दरबार में। गाइस हम लोग जिस चीज़ के लिए मतलब सपना मन में लेके आए थे कि माँ से दर्शन करना है, वो दर्शन आज पूरा होने वाला है। और ये देख सकते हैं, ये है माँ का भवन, जो देख सकते हैं यहाँ से, ये है गाइस माँ का भवन। कि हम लोग चढ़ाई लगभग 9:30 किए थे और 3 बजे हम लोग पहुंच गए, है ना ब्रो? यस ब्रो। तो तुम किस बताना चाहते हो माँ के बारे में? बस माँ का दर्शन अच्छे से हो जाए, माँ का आशीर्वाद चाहिए। तो यहाँ पे गाइस वही आते हैं जिनका बुलावा आता है माँ के दरबार में। तो ये मेरा भाई लोग का बुलावा आया था, तो हम लोग चले आए। जय माता दी। तो गाइस अभी यहाँ पे हम लोग फोन वोन जमा, यहाँ पे मतलब क्या होता है कि कुछ ले के नहीं जा सकते शरीर में, एक मतलब कुछ हेडफोन तक मतलब कुछ भी लेके नहीं जा सकते, तो ये सब हमको जमा करना पड़ेगा। और यहाँ पूजा करने के बाद मुझे जाना पड़ेगा ऊपर भैरव बाबा का दरबार में, जो वहाँ भी पूजा करना पड़ता है। तो गाइस ये बताना चाहते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये है माँ का भवन, और यहाँ पे हम लोग
तो अब हम लोग यहाँ से कुछ दूर पे जाकर थोड़ा सा नहाएंगे धोएंगे तैयार होंगे और माँ के दरबार में जाने के लिए इंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी ऊपर भी जाना है भैरव के दरबार में। तो माँ का दर्शन करके आते हैं फिर हम आपको ऊपर भैरव भैया का दर्शन जरूर कराएंगे। तो आप गाइस यहीं से दर्शन कर लो, ये देख सकते हो क्योंकि फ़ोन तो ले जाना अलाउ है नहीं अंदर, तो यही है माँ का भवन देख लीजिए गाइस। तो यहाँ से हम लोग फ़ोन रख के थोड़ा चेंज वेंज करके हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे। जय माता दी। तो फिर ब्लॉग यहीं से शुरुआत करते हैं ठीक है। तो है गाइस पूजा हम लोग को क्या है एकदम बहुत अच्छे से बहुत ही मतलब इतना अच्छा से भाई इस बार दर्शन हुआ ना माँ का कि हम बता नहीं सकते हैं। वहाँ पे माथा भी ठेके बहुत अच्छा लगा, मन को शांति हुआ है ना ब्रो, कैसा लगा ब्रो? बहुत मज़ा आया, इतने अच्छे से माता का दर्शन हुआ कि बता नहीं सकते गाइस। मतलब कि अब ऐसा है ना, अब यहाँ पे 5 बजे हो जाती है लॉक, अब दर्शन नहीं होंगी, अब 8 बजे होंगी क्योंकि माँ का थोड़ा सा आरती वारती होती है ना इसलिए। तो गाइस हम लोग तो दर्शन कर लिए माँ का, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया माँ का दर्शन करके। तो गाइस अब यहाँ से हम लोग को चलना है भैरव भैया के पास क्योंकि कहा जाता है कि अगर उनका पूजा नहीं करते हैं तो पूजा संपन्न नहीं होता, इसलिए अब यहाँ से चलेंगे भैरव भैया के लिए। तो हेलो गाइस हम लोग का पूजा हो गया है कि ये बउआ भाई, बउआ कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, अच्छा लगा भैरव बाबा का पूजा करके, अच्छा लगा भैरव पूजा करके। जय माता दी, जय माता दी। तो गाइस बताना ये चाहते हैं कि हम लोग भैरव बाबा पूजा कर लिए हैं और ये देखिए ये था भैरव बाबा का मंदिर, वहाँ पे ये था भैरव बाबा का मंदिर और ये देखिए सीन चल रहा है और हम लोग अभी बहुत ऊपर में है गाइस, बहुत ऊपर में बोले तो मतलब भैरव बाबा सबसे ऊपर में थे तो हम लोग वहाँ पे हैं। ये देखिए क्राउड है गाइस, भीड़ है वहाँ पे, देखिए ये नज़ारा है ना गाइस। तो अब ये बोलना चाहते हैं गाइस कि हम लोग को तो पूजा हो गया, अब हम लोग यहाँ से वापस नीचे के लिए मतलब उतरेंगे और ये मेरा मिंटोस भाई ये भी पूजा कर लिया है। जय माता दी जय माता दी। तो गाइस अब यहाँ से हम लोग नीचे उतरेंगे और कहना ये चाहते हैं कि भर रात हम लोग पूरा जगे हुए हैं, पूरा प्यार में दर्द है, पूरा आँख में नींद है, तो हम लोग को पता नहीं फेस कैसा दिखता होगा पता नहीं। बट गाइस अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने तरफ से लाइक एंड सब्सक्राइब से कमेंट करना और मैसेज में लिखना जय माता दी जरूर। और चलो गाइस फिर यहाँ से मिलते हैं फिर हम लोग अगले ब्लॉग में, ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। ये गाइस ये एक बार आप देख लो, ये है भैरव बाबा मंदिर गाइस, ये भैरव बाबा मंदिर है गाइस देख लो आप, देख लो गाइस। गाइस चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।